सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी
अवर्णानेकवर्णाच पाटला पाटलावधि रक्ताम्बर परिधाना कलमञ्जनरञ्जनी अमेयविक्रमाक्रूरा सुन्दरी सुरसुन्दरी बन्धुर्गा च मातङ्गी पतङ्गमुनिपूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी चेन्द्री कौमारी वैष्णवी तथा चामुण्डा चैव वाराही लक्ष्मी च पुरुषागिरी विमलोदगर्जनी ज्ञाना क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुलप्रेम सर्ववाहन वाहन निशुम्भशुम्भहनने महिषासुरमर्दने मधुकेटवहन्त्रे च चण्डमुण्डविनाशने सर्वासुरविनाशा च सर्वदानवघातने सर्वशास्त्रामयी सत्या सर्वास्त्रधारणे तथा अनेकशस्त्रास्ता च अनेकस्त्रस्य धारणे कुमारी चैककन्या च केशोरी युवती यदि अप्रौढा चैव प्रौढा च वृद्धमाता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णुमाया जलोदरी शिवधूती कराली च अनन्ता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं ब्रह्मे नित्यं दुर्गा नाम सदाशिवा नासाध्यं विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती धनं धान्यं सुतं जायं हयमश्विनमेव च चतुर्भर्गं दधा चान्ते लवेन्मुक्तिं च शाश्वती कुमारीं भोजयित्वा तु ध्यात्वा देवीं सुरेश्वरीं पूजये स्मर्या वक्त्या पठे नाम शताशकं तस्य सिद्धिर्भवे देवी सर्वे सुरभरेरपि राजानो दाशतां जान्ति राजा श्रियमवाप्नुयात् गोरोचनालक्तकुङ्कुमेन सिन्दूरगर्भोरमधुत्तरेण विलक्ष्ययन्त्रं विधिना विदग्ध्यो भवेत् सदा धार्यते पुरारि भोवा वास्या निशामग्रे चन्द्र चतुर्विशाङ्गते विलक्ष्य प्रपटे स्तोत्रं सर्वभे सम्पदाम्बर प्रातःकालीन आरती की इस पवित्र बेला में आप सब भक्तों का माँ भगवत के दरबार में अभिनंदन, आप सब का हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवत की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण ही इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती ही पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्यकरण माँ भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपका बुद्धि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि को देने वाले हैं, धन धन की वृद्धि करने वाले हैं। जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा
माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्त जनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्त जन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजननी ने माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। अथ देव्यः कवच ॐ अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनष्टुप छन्दः चामुण्डा देवता अङ्गन्यासोक्तमातरा वीरम् दिगबन्धदेवता सत्त्वम् श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जद्गुह्यं ब्रह्मलोके सर्वरक्षाकरमेण यन्न कस्यापि साख्यातं तन्मे रोहे पितामहः। ब्रह्म उवाच अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकम् देव्यास्तोकवचं पुण्यं तशृणुष्व महामुने प्रथमं शैलपुत्रे च द्वितीयं ब्रह्मचारिणे तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पञ्चमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाश्रमम् नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा सुकीर्तिता उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणेव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गता न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं दस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ज्येष्ठभक्त्या स्मृतानूनां तेषां वृद्धिः सजायते ये स्वां सुवन्ति देवेशे रक्षसेतान संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराहे महिषासना इन्द्रेगजसमारूढा वैष्णवे गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी सुगवाहना लक्ष्मीः पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपरा देवी ईश्वरी विषवाहना रामी हंसमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विता नानावर्णशोभाभ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिम् अलं धर्मशलायुधा खेटकं दोपरं चैव परशुं वाशमेव च कुन्तायुधं चौरं च जारङ्गमायुसमत्तम दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानिष्ठं देवानां गृहाय वे नमस्ते सोमारुद्र महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवि दुष्पेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धने प्राचं रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेऽवतु वाराहि नैऋत्यं खड्गधारिणि प्रतीत्यां वारुणि रक्ष वायव्यां मृगवाहिनि उदीत्यां वादुकौमारि एषाण्यां शूलधारिणि ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्ष तरस्तावैष्णवीतता एवं दशदिशो रक्ष चामुण्डा शववाहना जया मे जागृता पादो विजया पादो प्रेषितः अजलाभामपार्श्वेतो दक्षिणे चापराजिता शिखामध्योदने रक्ष उमामूर्ध्वे व्यवस्थिता
माला धरे ललाटे च प्रभो रक्षस्वनी त्रिनेत्रा च प्रभुर्मध्य जमघंटा जनासिके शंखणी चक्षुषोर्मध्य श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपालोकालिका रक्ष कर्णमूले शंकरि नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चासिका अर्धे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तानक्षतकौमारी गण्डदेशे तु चण्डिका गण्डिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षे चोकं रक्ष वाचं मे सर्वमङ्गला द्विभायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरि नीलग्रीवा वही कण्ठे नलिकान्तलकोवरि स्कन्दयोः खड्गनि रक्ष बाहु मे वज्रधारिणि हस्तयोर्दण्डनि रक्ष अम्लिका चाङ्गुलेषु च नखाशुलेश्वरि रक्ष कुक्षो रक्ष कुलेश्वरि तनो रक्ष महादेवी मनाशोकविनाशिनि हृदये ललिता देवी उदरेशूलधारिणि नावोचकामणि रक्ष गुह्यां गुह्येश्वरि तथा भूतनाकामिकामेढं हृदये महिषवाहिनि कट्यां भगवती रक्ष जानुनि विन्ध्यवासिनि जङ्घे महाबला रक्ष सर्वकामप्रदायिनि दुर्भयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्ष पादादस्थलवासिनि नखान्तश्चाकराले च केशां देवोर्ध्वकेशिनि रोमकोपेषु कौवेरि त्वचं वागेश्वरि तथा रक्तमज्जावसामासान्यसि मेधांसिपार्वति अन्त्राणि कालरात्रेश पित्तं च मुकुटेश्वरि पद्मावली बलकोशे कफे चूडामणेस्तथा ज्वालामुखेन गज्ज्वालामवेद्या सर्वसन्धिजो शुक्रं ब्रह्माणि रक्ष क्षायं क्षत्रेश्वरि तथा अहङ्कारमनोबुद्धिर्रक्ष मे धर्मधारिणि प्राणापानो तथा ज्ञानम् उदानं च समानकम् वज्रहस्ता च मे रक्ष प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्वस्य च योगिनि सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्ष नारायणि सदा आयो रक्षतु वाराहि धर्मं रक्षतु वैष्णवी जजा कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां चक्रणि गोत्रमिन्द्राणि मे रक्ष पशुर्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षन्महालक्ष्मीर्वार्यं रक्षतु भैरवि दन्तानां सुरा रक्ष मार्गं केमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वकाश्चिदा रक्षाहीनं दुःसानां वर्धितं कवचे न तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ति पापनाशिनि पदमेकं न गच्छेतु जगेच्छेतु महात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमेश्वरे मतलं प्राप्यते भूतले भवान् निर्भयो जायते मर्त्या सङ्ग्रामेषु पराजितः त्रैलोक्ये तु वेद्मूज्य कवचेनावृतः भवान् इदं दूतेभ्यः कवचं देवानामृदुर्लभ जापहे प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं शुद्ध्यान्विता देवी कला भवेतस्य त्रैलोकेष्वपराजिता जीवेद्वर्षशतं साग्र अवमृत्यो विवर्जिता नश्यन्ति व्यादया सर्वे दूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चाभिजल्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूतिरः केचरा चैव जलजश्चोपदेशिका सहजाकुलजामाला डाकनी चाकनी तथा अन्तरिक्षाचरा घोरा डाकनश्च महाबला ग्रहभूतपिशाचा च यक्षधर्मराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालः कूष्माण्डा वैरवादिरः नश्यन्ति दर्शनादस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोनि चलो वेदाज्ञस्तेजो वृद्धिकरं वरं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत सप्तशतीं चण्डं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद् भूमण्डलं दत्ते दशलावनकानन यावदिच्छति मे दिन्यां सन्तति पुत्रपोत्रिके देहान्ते परमस्थानं जसुरेरपि दुर्लभ
प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं येन धर्मोदते अथ अर्कलस्तोत्र ॐ अथ श्री अर्कलस्तोत्र मन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठागत्वेन जपे विनियोगः ॐ नमः शण्डिकायै मार्कण्डे उवाच ॐ जयन्त्रीमङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा च मा शुभा दात्री स्वाहा सुधा नमस्ते जय त्वं देवि चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणि जय सर्वगते देवि कालरात्रि नमस्ते मधुकैटवनिद्रावे विधात्रे वरदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि महिषासुरनिर्नाशे भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि रक्तबीजपदे देवि चण्डमण्डविनाशिनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि शुम्भसेवन शुम्भस्य धूम्रक्षस्य च मर्दनि रूपं देहि जयं देहि दशो देहि दिशो जयि वन्दिताङ्ग्रीगिरे देवि सर्वसौभाग्यदायिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि अचिन्त्यरूपचरते सर्वशत्रो विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि नदेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि सुभद्रो भक्तिपूर्वं त्वं चण्डिके व्याधिनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि चण्डिके सर्वं जय त्वाम् अर्चयन्ति भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि विदेहि दुषितां नाशं विदेहि परमुच्यते रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमं श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि सुरासुरशिरोरत्न निकृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि प्रचण्डदैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि चतुर्भुजे चतुर्वक्र संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि कृष्णेन संसुते देवि शश्वभक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि हिमाचलसुतानाथ संसुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि इन्द्राणीपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि देवि प्रचण्ड दुर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि देवि भक्तजनोदाम दत्तानन्दोदयं जिगे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दुशो जयि पदनी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणि तारणं दुर्गसंसार सागरस्य कुलभवा इदं स्तोत्रं पठित्वा महास्तोत्रं पठे नरः साधु सप्तशति सङ्ख्या परमापनोति सम्प्रदा ॐ अथ कीलक ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुभ छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठायत्वेन
जपे विनियोग ओम नमः चंडिकायै मार्कण्डे उवाच ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रियाय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतादियानीय मन्त्रा नाम विकीलकम् सौभिज्यमवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्धेन्दुचाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन सुभतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्ध्येत सर्वमुच्चाटनादिकम् समग्राणपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कानि मामर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवामिदं शुभम् स्तोत्रं ये चण्डिकायासु तत्र गुप्तं चकारस समाप्तिर्न शून्यस्य तं यथा विनियन्त्रणम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिग्रहणादि नान्यदेशा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् ज्योतिष्किलां विदायिनां नित्यं जपति सङ्गुणम् सा सिद्धा सा गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवापृतस्तस्य वयं वाभिः जायते नापवित्रो वशं जाते मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुरुवीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातेव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधिः सौभाग्यादिकिञ्च दृश्यते ललनायने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यामिदं शिव क्षणेषु जाप्यमाणेऽस्मि स्तोत्रे सम्बद्धे भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यलोक्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जने श्रीमहिषासुरमर्दने स्तोत्र आय गिरिनन्दनि नन्दितमेदनि विश्वविनोदनि नन्दनुदे भगवति हेदिति कण्ठकुटुम्बनि गोरि कुटुम्बनि गोरिचिते जय जय हे महिषासुरमर्दनि कण्ठकमर्दनि ण्डविपादितमुण्डघटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि चरसते ऐरण दुर्मदुर्धरनिरचरचक्रते चतुर्विचारदुरीण महादिवदूतकृतप्रमदाधिपते दुरितदुरीह दुराजय दुर्मदितानवदूतकृतान्तमगे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि चरसते हरि चरणागत वैरि गुरु वरवीर पुरवयदायिकरे शिववनमस्तक चूर विरोधि विरोधि पितामल चूर करे दुमि दुमि तामर दुन्दु विनाद महोमुखरे कृतकृतमकरे जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकमर्दनि चरसते हरि निजोऽकृतिमात निराकृत धूम्र विलोचन धूम्रसते समर विजोजित सोनित वीर समुद्र
जगतो जननी कृपया
जय जय हे महिषासुर मर्दन रम्यक वरदन चरणसुते रम्यक वरदन चरणसुते अंतरिक्षकालीन लास्ट पेज पेज नंबर 30 मां से क्षमा प्रार्थना है क्षमा प्रार्थना अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हरण श्यामया दासोऽयमिति मामत्व क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जाना आप सभी भक्तिजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ इन स्तोत्रों द्वारा इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो हम भक्तों का कल्याण करो सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे
धर्म प्रिय बंधु, बड़ा शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुए हैं, इसमें जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके प्रातः काल की आरती में मां भगवत की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, मां की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। जिस स्थान पर बैठकर के आप मां भगवती का स्तवन कर रहे हैं, ये तपस्थली तप भूमि है। इसी स्थान से होकर के मां वैष्णो देवी ने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया था और इस गुफा के अंदर दिव्य पिंडी को विराजमान होकर के मां भगवती यहां पर तप कर रही है। जब घोर कल युग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, ये प्रकट होंगी, पापियों का नाश करेंगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। मां भगवती इस गुफा के अंदर तीन दिव्य पिंडी को विराजमान है, माता महाकाली, महालक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती, जिनके दर्शनों के लिए, जिनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप सभी माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करवत माँ से प्रार्थना करते हैं, इस गुफा के अंदर इन देव पिंडों के सामने नतमस्त होते हैं और इन तीनों माताओं का एक साथ आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिस आशीर्वाद से वह भक्त जन जो हैं सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती आदि शक्ति ये मूल जड़ से एक ही पिंडी है, साढ़े पांच फुट की जो पिंडी है, चरण चरण गंगा बहती ही ऊपर आकर के तीन शक्ति बन गए, तीन स्वरूप हो गई और उन तीनों महाशक्तियों के दर्शन है वह पिंडिक रूप में है। आद्य शक्ति है जे एक ही अजन्म है, नित्य स्वरूप है और संपूर्ण जगत जो है इन्हीं का रूप है। दुर्गा सप्तशती में भी तीन शक्तियों का वर्णन आता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो इसी आदि शक्ति ने जो है अपने आप को तीन रूप में विभक्त किया हुआ है। आदि शक्ति एक है, अजन्मा ने स्वरूप संपूर्ण जगत इन्हीं का रूप है। जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि की उत्पत्ति के काल में, उत्पत्ति काल में जो है यही भगवती आदि शक्ति जो है ये तीन रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में, सत्व रज तम तीन गुणों के रूप में, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में, आ ऊ और मां ओंकार के रूप में यही भगवती जी विद्यमान है, जिसे हम प्रकृति पुरुष कहते हैं। प्रलय काल में एक हो जाती हैं और सृष्टि काल में फिर जो है अलग अलग होती हैं, जिसे हम प्रकृति पुरुष कहते हैं। और जहां पर जो देखें गुफा के अंदर माँ के जो दर्शन पिंडी ग्रह दर्शन है, भाई सामने भगवान शिव विराजमान है, जहां पर शक्ति वहां शिव है, जहां शिव है वहां शक्ति और जहां शक्ति वहां शिव जो है वश्यमेव विराजमान रहते हैं। तो शिव शक्ति है जो इस जगत के माता पिता है, भगवान शिव जो है जगत के पिता हैं और भगवती आदि शक्ति माँ जगदम्बा जो है जगत की माँ है। और इसलिए स्थान का विशेष महत्व है, यहाँ पर जो है एक साथ जगत के माता पिता के दर्शन होते हैं, उनका आशीर्वाद जो है ये प्राप्त होते हैं, जिस आशीर्वाद से बस साधक जन जो है सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। तो मैं आपको बतला रहा था कि भगवती जी आदि शक्ति एक ही, और जब सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है तब ये तीन रूप में परिणत होती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती रूप में। और जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती है। माँ वैष्णो जो है यद्यपि माँ भगवती आदि शक्ति का प्रादुर्भाव जो है अनेक प्रकार से हुआ है, माँ वैष्णो ही ये त्रेता युग में इन्हीं आदि शक्तियों से इनका प्रादुर्भाव हुआ था और भगवान श्री राम की आज्ञा से माँ वैष्णो भी यहाँ पर आई थी और गुफा के अंदर इन्हीं पिंडिक रूप में जो है माँ ने अपना जो रूप था वह संभाल लिया था और इसी पिंडिक रूप में विराजमान होकर के माँ भगवती यहाँ पर तप कर रही है।
जब घोर कलयुग आएगा तब इनका प्रादुर्भाव होगा, जो प्रकट होंगी पापियों का नाश करेगी, भक्तों की रक्षा करेंगी। तभी कहे तम विश्व शक्ति अनंत वीर्य विश्व से बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेत तुम भी प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। देवी आप अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो, विश्व से बीजम परमासी माया विश्व की कारण भूता परामाया हो, सम्मोहितम देवी समस्त मेत तुम भी प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। आपने पूरे यज्ञ को जो है अपनी माया द्वारा मोहित कर रखा है और आप ही प्रसन्न होने पर इस धरती पर जो है जो मनुष्य को मुक्ति का वरदान देती है। यही मुक्ति देने वाली है ये भगवती जो है, जो भक्त जन माँ भगवती की शरण धो करके माँ भगवती की आराधना करते, क्योंकि माँ वैष्णो जो है ये सर्वशक्ति संपन्न जो है, अर्थात इन तीनों शक्तियों की जो ये तीनों शक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती इन्हीं आदि शक्तियों से माँ वैष्णो का प्रादुर्भाव हुआ था और इन्होंने ही अपनी शक्ति जो है माँ वैष्णो को प्रदान की है। इसलिए तभी कहा कि तुम वैष्णो शक्ति अनंत वीर्य विश्व से बीजम परमासी माया सम्मोहितम देवी समस्त मेत तुम भी प्रसन्ना भूमुक्ति हेतु। बोलो सच्चे दरबार हरि की जय। तो इसलिए जो भगवती माँ वैष्णो जो है इसके शरणागत होकर के जो भक्तजन जो है माँ भगवती की आराधना करते हैं, माँ की अर्चना माँ की पूजा करते हैं, उन भक्तों को इन तीनों शक्तियों की प्राप्ति होती है। माता महाकाली ये शरणागत भक्तों को शक्ति का वरदान देती है, शत्रु का नाश करती है, रोगों से मुक्ति देती है, अर्थात निरोगी काया प्रदान करती है। महालक्ष्मी जो है ये धन लक्ष्मी का वरदान देती है और माता महासरस्वती ये विद्या बुद्धि का वरदान देती है। और ये तीन शक्ति निरोगी काया धन लक्ष्मी और जो है ज्ञान शक्ति जो है, ये तीन शक्ति जो है शारीरिक शक्ति धन शक्ति और ज्ञान शक्ति, जिस व्यक्ति के पास ये तीनों शक्ति हैं उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी रहती ही नहीं। और ये तीनों शक्ति जो है जी का ऐसा स्थान है जहां पर एक साथ जो है इन तीनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिस आशीर्वाद से जो है साधक जन जो है इस प्रकार संपन्न होकर के सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। उनकी जो भी मनोवलक्षित कामना होती है माँ की कृपा से माँ के आशीर्वाद से उनकी समस्त मनोवलक्षित कामना पूर्ण होती है और सब ओर से परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधे चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सुख चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस देवी की पूजा इस शक्ति उपासना जो है अवश्य करनी चाहिए। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी है, बड़ा ही उत्तम दिन है। ये एकादशी जो है आमल की नाम की ये एकादशी है। कुछ ऐसी विशेष तिथियां होती हैं, ऐसे विशेष नक्षत्र होते हैं जिनमें कोई विशेष पूजा आराधना अर्चना जप पाठ स्नान दान इसका जो है अनंत गुणफल होते हैं। पर देवी की कृपा से इस प्रकार से शक्ति पीपर का करके ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य अर्जित करने का, तो इसका अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। ऐसी परम पवित्र स्थली पर बैठ करके ऐसी पवित्र तिथि में जो है कहीं भी किसी गंगा में जाकर के या किसी देवालय में जाकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए पुण्य कर्म करने का, तो उस अक्षय फल होते है, उस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। और ये एकादशी जो है ये पाप नाशनी एकादशी है। कहते कोटि जन्मों के करोड़ों जन्मों के पापों का नाश जो है एकादशी के व्रत से हो जाता है। ये एकादशी जो है जब विशेष कर कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से क्या फल होता है। कहा भगवान कृष्ण जो है पांडव का समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे और जो उस समय के प्रश्न है जिस समय पांडव जी वन में कष्ट भोग रहे थे उस संकट काल में जो है उनने धर्म का त्याग किया नहीं, धर्म के मार्ग पर चलते धर्मानुकूल कर्म करते हैं, तो भगवान की आराधना करते थे।
तब भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन ये एकादशी यह बड़ी उत्तम एकादशी ही ये समस्त पापों का नाश करने वाली है और यही प्रश्न जो है पूर्व काल में राजा मानदाता हुए हैं, राजा मानदाता ने महर्षि वशिष्ठ से कहा था, उनसे पूछा था और महर्षि वशिष्ठ ने जो उनको उत्तर दिया था कि राजा मानदाता जे बड़े ही धार्मिक राजा हुए हैं, बड़े धर्मशील राजा हुए हैं, प्रजापालक राजा और इस प्रकार से धर्म कर्म किया करते थे, अनेक उन्होंने यज्ञ किए हैं, भगवती को प्रसन्न किया, देवी भागवत में भी राजा मानदाते की कथा जो है ये मिलती है। ऐसे जे राजा जो है इन्होंने महर्षि वशिष्ठ से प्रश्न किया था और वह भी समय समय पर यज्ञ अनुष्ठान किया करते थे और उस समय महर्षि वशिष्ठ ने जो उनको बतलाया था वो ही भगवान कृष्ण कहते मैं आपको बतलाता हूं। भगवान कृष्ण कहते कि राजन जी एकादशी जो है फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी जो है जे आमल की नाम की एकादशी है। एकादशी होती क्या है जे पांच कर्मेंद्री पांच ज्ञानेंद्री और ग्यारहवा मन इसको कहते हैं एकादश। इन पर निग्रह करना जी होता है व्रत, एकादशी का व्रत कि हम कभी झूठ न बोलें, किसी की निंदा चुगली न करें, कोई बुरे कर्म न करें, उनका त्याग करें और इस तरह से धर्म कर्म करें, भगवान के नाम का जप करें, स्नान करें, दान करें, ये संकल्प होते हैं। ऐसे संकल्प जब साधक लेते हैं और बार बार जब व्रत करते हैं तो उसके अंतःकरण की शुद्धि होती है। जब अंतःकरण की शुद्धि होती है तो उसके विचार भी शुद्ध होते हैं। जब विचार शुद्ध होते हैं, विचार पवित्र होते हैं तो उसका जीवन पवित्र होता है। इस प्रकार जब जीवन पवित्र हो जाता है तो फिर तो किस चीज की जीवन कमी रहती ही नहीं। इसलिए जे व्रत जे जप जब भगवान की साधना माँ भगवती के दर्शन देव देवताओं के दर्शन जो है ये जो पुण्य कर्म होते हैं इसे अंतःकरण की शुद्धि होती है, आत्मा जो है प्रसन्न होती है। मैं कई बार प्राय बतलाता हूँ हम जो अपने शरीर को पालन पोषण के लिए शरीर को ठीक प्रकार तंदुरुस्त रखने के लिए प्रातःकाल उठते जो है जे नाश्ता करते हैं, दोपहर को भोजन करते हैं, शाम को भोजन करते हैं ताकि शरीर ठीक प्रकार से चलता रहे, सब कुछ ठीक ठाक होते में जो है फिर व्यक्ति कहता है महाराज हमारे जीवन में किस चीज की कमी तो नहीं है परंतु आत्म शांति नहीं, आत्म सुख नहीं है, मन अशांत रहता है, आत्म सुख नहीं है, आत्म शांति नहीं है, क्लेश बने रहते हैं। तो कारण क्या है? इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हम हर तरह का प्रयत्न करते हैं परंतु कभी हमने ये नहीं सोचा कि आत्मा के लिए इसका भोजन जो है, इसको भोजन जो है आत्मा जब भूखी रहती है जब तृप्त नहीं होती है तो जो है आत्मा कैसे शांत होगी, इसके लिए कभी सोचा नहीं इसको ही भोजन करवाएं। तो आत्मा का भोजन क्या होता है? आत्मा का भोजन जो है यही प्रातः उठकर स्नान करना फिर नाम जप करना, जे आत्मा का भोजन है। जब प्रातः उठते ही इस तरह जब स्नान करते हैं भगवत के नाम का जप करते हैं तो आत्मा कभी अशांत हो नहीं सकती, कभी आपके घर गृहस्थ में कभी अशांति नहीं होगी, कभी कोई क्लेश कला नहीं होगा, बिल्कुल शांति बनी रहेगी और आनंद ही आनंद होगा। आत्मा भूखी रहती है, प्यासी रहती है, उसे कुछ मिलता नहीं तो जो है फिर जो आप भले कितना ही खाएं, कितने धन संपत्ति आपके पास आ जाए, आत्मा का भोजन जो उसे नहीं मिला तो आत्मा अशांति रहेगी जीवन भर। इसलिए ऐसा निज बना ले कि प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल जो है स्नान करने के उपरांत जो है जो आप माँ भगवती की जोत जगाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके आप जो है नाम जप करें, अद्भुत शक्ति होती है नाम जप में। जो है माँ से प्रार्थना करें, माँ की आरती करें, क्षमा याचना करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें, फिर आप जो है अपने कार्य के लिए जाएं, देखिए आपके जीवन किसी भी कार्य में कोई बिगड़ नहीं आएंगे, जहां जहां जाएंगे वहां वहां आपके कार्य जो बनते जाएंगे। फिर तो कहते हैं कि माँ की जिन पर कृपा हो जाती है वह साधक यदि मिट्टी को भी हाथ लगाता है वह भी सोना हो जाती है, अर्थात
सब कार्य जो हैं उसके बनते जाते हैं। ये फल होते हैं ये धर्म कर्म करने का। तो भगवान कृष्ण जो हैं युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि महाराज ये एकादशी जो है ये पाप नाशनी एकादशी है, इसका व्रत करना चाहिए, इसका व्रत करना चाहिए। यही व्रत जो है पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने जो है ये मांडता राजा को बतलाया था। और इस प्रकार से व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है, उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है और उनकी जो भी मनोवलक्षित कामना होती है वह उनकी सब कामना जो है वह पूर्ण होती है। ये आमल की जो है कहते हैं किसका दर्शन करने से आमल की आमली का वृक्ष होता है, आमला जिसको बोलते हैं आमल की, तो इसका दर्शन करने से कहते हैं हजार गौदान का फल जिसे प्राप्त होता है। आज के दिन विशेष स्पर्श करने से 100 गुना जो है उससे भी अधिक फल जो है वो प्राप्त होता है। फिर जो है इसका फल भक्षण करने से खाने से जो फल जो है खाने से कहते हैं 3 गुना अधिक जो है इसका फल जो है वह बढ़ जाता है। मूल भाग में जो है इसके जो विष्णु जो निवास करते हैं और मध्य में जो है भगवान ब्रह्मा और जो है ऊपर के भाग में भगवान शिव जो निवास करते हैं। इसलिए आज के दिन जो विशेष आमलकी का जो वृक्ष होता है इसका पूजन किया जाता है। वहां जाकर के पूजन करना, गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य जो है जो भी नैवेद्य जो वहां पर अर्पित कर करके फूल चढ़ाना, फिर आरती करना, वहां पर जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना, जप करना, वृक्ष नीचे बैठ करके भगवान के नाम का कीर्तन करना, रात्रि जागरण करना, ये विधि बतलाई गई है। और ऐसा करने से जो है कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के जो पाप जो होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। और फिर जो है इस प्रकार से विधि बतलाई गई, प्रातः काल जो है जब स्नान करें, स्नान करने से पहले मृतिका मिट्टी जो है अपने शरीर को उसका मर्दन करें, मिट्टी लगाएं और ये प्रार्थना करें पृथ्वी माता से जो है अशोक क्रांति रथ क्रांति विष्णु क्रांति वसुंधरे मृत्यु के हर में पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। हे वसुंधरे तुम्हारे ऊपर जो है अश्व और रथ जो है ये चला करते हैं, घोड़े चलते हैं, रथ चलता है। और वामन अवतार में जो है वामन अवतार के समय जो है भगवान विष्णु ने भी तुम्हें जो है अपने पैरों से नापा था। हे मृतिके मैंने करोड़ों जन्मों में जो भी मुझसे कोई पाप हुए हैं उन्हें पापों को जो है आप जो है हर लो, उन पापों को हर लो, फिर स्नान करो बिल्कुल पवित्र होकर के फिर आगे की पूजा विधि जो है ये करनी चाहिए। और नाम जप जो है मंत्र जब जो है भगवान विष्णु को इसमें इस प्रकार से परशुराम की प्रतिमा का भी जो है कहते हैं कि इसका पूजन बतलाया गया है, उसका पूजन करें, इस तरह के भगवान के नाम का कीर्तन करें। ऐसा करने से जो है कहते हैं कि करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होते हैं, परम पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन यात्रा जो है वह सुखद हो जाती है। बोलो सच्चे दरबार की जय। यही व्रत जो है वन में रहते हुए पांडवों ने द्रौपदी से जो है पांडवों ने किया था, उन्हें खोया हुआ राज्य जो प्राप्त हुआ, उनके सभी कष्ट सभी दुख जो थे वह दूर हुए। इसलिए ये दुखों का नाश करने वाले जी एकादशी और पुण्य को देने वाले सुखों को देने वाले जी एकादशी का व्रत जो है ये बड़ा ही उत्तम दिन है। और ऐसे स्थान पर इस पवित्र स्थल पर रह करके माँ वैष्णो देवी के चरण में बैठ करके आपको जो सौभाग्य प्राप्त हुए है ऐसी पवित्र तिथि में जो है एकादशी के दिन जो है माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए ही। माँ की इसी तरह से आप भक्तों की कृपा बनी रही और भगवती प्रसन्नता पूर्वक आप भक्तों को अपने दरबार में बुलाती रहे, अपने चरणों से लगाए रखें और इसी प्रकार से पुण्य कर्म जो है धर्म कर्म आपसे करवाती रहें, क्योंकि देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। माँ की कृपा होती है तो ही इस प्रकार के सौभाग्य जो है मनुष्य को प्राप्त होते हैं, जिस सत्कर्म करने के पुण्य कर्म करने की और जिस पुण्य से वह
वह साधक जो है कल्याण को प्राप्त होते ही और उसका जीवन जो है परम पवित्र हो जाता। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय कराए शरम अलिदान। बोल सच्चे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ भगवती के मूल मंत्र का पाठ करेंगे। जो मंत्र जो है परम शक्तिशाली मंत्र ही, इस मंत्र के द्वारा जो है जो भी भक्ति मंत्र को अपने हृदय में ध्यान कर करके प्रतिदिन प्रातःकाल सायंकाल इस मंत्र की एक माला जप करते हैं, फिर विशेष करके कि जब ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए ऐसी परम पवित्र तिथि में माँ के दरबार में आकर के, तो कहीं भी किसी भी कोने बैठकर थोड़ी देर कहते हैं कि यदि एक माला का जप करते हैं तीर्थ स्थान पर बैठ करके तो उसका फल जो है 100 गुना होता है। एक माला करते तो आपकी 100 माला हो जाएगी। तो इसलिए जो है तीर्थ पे आकर के जितना जब फिर आप जहाँ पर फिर आप जैसे माँ के दरबार में आते हैं तो जब करते हुए आए और जब करते हुए जाएं, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। सभी इस मंत्र का पाठ करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 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 सच्चे दरबार की जय। सभी भजन के बेला निवेदन कर रहा श्री जयपल से माँ के चरण में भजन प्रस्तुत करेंगे। आपसे भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना से मिलकर बोलना ताली बजाते हैं श्री जयपल जी। जयकारा सच्चे दरबार कट दी हमेशा ही जो दसंत दुख कट दी हमेशा ही जो दसा दे जो दुख है। कट दी हमेशा ही जो दसा दे जो दुख है। मेरे अपने अपने हाथ ऊपर उठाकर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। आज सभी ऊपर माँ भगवती और भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपके झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशी से भर कर। Yeah.
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਲ ਸੋਚਦਾ
माशे सवारी
ਫਿਰ
दिभ्यां भृत् कणकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं
सभिना भादन्ते स्वकर्कृजपे शास्त्र विज्ञान शब्दे प्रेरणंत दिव्य रूप कर कमल धरा भरते सप्रसन्न सच्चिया ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। आज का पंचांग विक्रमादित्य से संबद्ध 2075 उत्तरायण दक्षिण गोल बसंत ऋतु चैत्र मास के आज चार प्रविष्टि ही फाल्गुन शुक्ल पक्ष आज एकादशी तिथि ही रविवार तदनुसार 17 मार्च सन 2019 के दिन प्रातःकाल आरती के समय आप भक्तजनों को माँ भगवती की असीमण कंपा से माँ भगवती के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में और विशेषतया आज एकादशी के दिन माँ के चरण में बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतते भवन भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भवन भवे भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे धैर्य दर्वदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंभर पाद पूजनरतः सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्तु मित्रणाम देश शरीर वर्चस आयुष्यम आरोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्र लाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायो अस्तु दीर्घमायो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धन्य से सम्मानित करें, सब ओर से आपका मंगल करें, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोले सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी, आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे, संभल कर बोलना ताली बजाते हुए ओम जय अम्बे गौरी मैया जय Thank you.
Oh, no.
यौवन का आधार नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है, काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, काम बड़ा नहीं काम बड़ा नहीं, नहीं बड़ा कुल धाम नहीं बड़ा कुल धाम शरण करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हूँ। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय प्रेम से बोलो जय माता दी, 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 तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर के मां से प्रार्थना करेंगे, संभल कर बोलना। देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विद्महे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे सन्तो निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे
भवेत् दुःख भाग् भवेत् शान्तिः शान्तिः कार्यक्रम देखे सुने और मानी मान महाभूत का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती गणन लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी।
Thank you.
جو جو سے بچی دینی ہے اس کو والے ہاتھ سے آشیرواد دینا جو جو سے ٹھیک ہے جو جو سے جو سے